हेलो दोस्तों, तो कैसे आज सभी दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि कितने प्रकार के कार्बन होते हैं और हम उनका क्या नाम करते हैं, क्योंकि ये आईपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आईपीएससी नॉमिनेशन में चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम में पहला जो होता है, हम उसको देखिए नाम आपको बता दे रहे हैं अभी, कि पहला होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सियरी, क्वार्टरनरी। ये चार तरह के कार्बन होते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सियरी और क्वार्टरनरी, चार तरह के कार्बन हो सकते हैं मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि वो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, मैक्सिमम वैलेंसी उसकी चार होती है, फोर होती है, ठीक है। मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ कार्बन फोर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कार्बन आप सामने देख रहे होंगे, जैसा कि अगर एक कार्बन, अगर सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब अगर पहला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इस पहले जुड़े कार्बन को क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन, जिसकी तीन वैलेंसी, अदर जो तीन वैलेंसी होती है वो हाइड्रोजन से जुड़ी होती है, ठीक है दोस्तों। तो पहला कार्बन अगर सिंगल वन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कार्बन देख लेते हैं। अगर जो सेकेंडरी कार्बन होता है, अगर एक कार्बन दो कार्बन एटम से अलग अलग जुड़ा हुआ है, उस मतलब वो ही जो सिंगल कार्बन है, मतलब आप कह सकते हैं जो सिंगल कार्बन है वो अगर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, दोनों कार्बन होने चाहिए दोस्तों और अदर एटम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर वो कार्बन एटम से, दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी एटम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, ठीक है। हाँ, सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं टर्सियरी कार्बन। ऐसे ही आप देख सकते हैं टर्सियरी कार्बन में क्या होता है। टर्सियरी कार्बन में होता है, अगर यही कार्बन एटम, एक कार्बन एटम अगर तीन कार्बन से अलग अलग जुड़ा हुआ है और इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन है या एक वैलेंसी कोई भी होती है, ठीक है दोस्तों, कोई भी जुड़ सकता है एक वैलेंसी। अगर तीन वैलेंसी से कार्बन जुड़ा हुआ है, ये सिंगल कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर इसकी तीन वैलेंसी तीन कार्बन, मतलब तीन अलग अलग कार्बनों से जुड़ी हुई है, तो ये टर्शियरी कार्बन होता है, ठीक है। और क्वार्टरनरी में ऐसे आप देख सकते हैं, अगर इस कार्बन की चारों वैलेंसी अगर कार्बन एटम से ही सैचुरेट हो रही है, चारों कार्बन एटम ही लगे हुए हैं इसकी चारों वैलेंसी पर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक बार इसको कहते हैं, जैसे कि अगर एक कार्बन, एक जो सिंगल कार्बन वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अगर ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और अगर ये तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम टर्शियरी कार्बन कहते हैं। और अगर ये चार कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्वार्टरनरी कार्बन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई कार्बन के नाम, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन। और इसमें मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, इसका एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।